गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच द टॉपिक फ्यूल्स ऑफ चैप्टर कंबसन एंड फ्लेम फॉर क्लास 8। आज हम लोग फ्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। फ्यूल का अर्थ होता है, हिंदी में उसका मीनिंग है ईंधन। जो भी मटेरियल विच इज बर्न इज प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड फ्यूल। जो भी मटेरियल नेचर में बर्न हो करके, जल करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, वो सारा मटेरियल फ्यूल कहलाता है। तो डिफिनेशन इसका हम लोग देंगे, ए मटेरियल विच इज बर्न्ड, विच इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ए मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड फ्यूल। नेचर में जो भी मटेरियल जल करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, फ्यूल का होता है। जैसे एग्जाम्पल कोल है, वुड है, LPG है, CNG है, ETC, ये सारे फ्यूल है। क्योंकि ये जितने भी सब्सटेंस हैं, वो बर्न होकर के हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी फ्यूल्स हैं नेचर में, 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कुछ सॉलिड फ्यूल है, कुछ लिक्विड फ्यूल है, और कुछ गैसियस फ्यूल है। कुछ फ्यूल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कोल है, वुड है, ये सारे सॉलिड फ्यूल हैं। कुछ लिक्विड फ्यूल होंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सारे लिक्विड फ्यूल हैं। कुछ गैसियस फ्यूल में है, गैसियस फ्यूल के भी कुछ एग्जांपल होंगे, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, कोल गैस, ये सब गैसियस फ्यूल है। तो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल। लेकिन अगर इसका हम क्लासिफिकेशन करें, फ्यूल का क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो पार्ट है, दो प्रकार के फ्यूल है, प्राइमरी फ्यूल और नेक्स्ट जो है वह सेकेंडरी फ्यूल कहलाता है। दो प्रकार के फ्यूल होंगे, एक प्राइमरी फ्यूल और एक सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल का अर्थ होता है कि वैसा फ्यूल जो नेचर में प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे या हम लोग बना नहीं सकते, ये नेचर के द्वारा दिया हुआ है, वो प्राइमरी फ्यूल हुआ। जिस फ्यूल को हम लोग प्राइमरी फ्यूल से बनाते हैं वो सेकेंडरी फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल को हम लोग ऑब्टेंड करेंगे प्राइमरी फ्यूल से। जैसे सपोज कीजिए कि कोल है, कोयला है, तो कोल जो है वो प्राइमरी फ्यूल है, ये नेचर में मिलता है। और इस कोल से हम लोग ऑब्टेंड करते हैं जैसे कोक, कोक हम लोग कोल से ही बनाते हैं, कोल तार ये भी हम लोग कोल से ही बनाते हैं, कोल गैस यह भी हम लोग कोल से ही बनाते हैं। इसका प्रोसेस है, कोल को जब हम लोग हीट करेंगे एयर के एब्सेंस में, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से जब कोल को हम लोग हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में, तो इसी कोल से हमको कोक, कोल तार और कोल गैस ऑब्टेन होता है। कोक आपका सॉलिड स्टेट में होगा, कोल तार या लिक्विड स्टेट में होगा, और कोल गैस गैसियस फ्यूल का एग्जांपल है। तो ये प्राइमरी फ्यूल हम लोगों का कोल हुआ, और इसी प्राइमरी फ्यूल से हम लोग सेकेंडरी फ्यूल बनाते हैं, कोक, कोल तार और कोल गैस। जैसे वुड है, वुड हम लोगों का प्राइमरी फ्यूल है, वुड, और इस वुड को जब हम लोग हीट करेंगे
एयर के एब्सेंस में तो हमको चारकोल मिलता है। तो चारकोल जो है वो एक सेकेंडरी फ्यूल का एग्जांपल है। प्राइमरी फ्यूल हमारा वुड हो गया, चारकोल हो गया सेकेंडरी फ्यूल। पेट्रोलियम को जब हम लोग हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में और वो प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हमको ऑब्टेंड होगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो यह जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुआ इस सेकेंडरी फ्यूल का एग्जांपल है। काउ डंग का नाम सुने होंगे आप लोग, यह प्राइमरी फ्यूल है। इस काउ डंग से हम लोग बायोगैस ऑब्टेंड करते हैं, यह सेकेंडरी फ्यूल हो गया। तो नेचर में जो फ्यूल प्रेजेंट होता है जो नेचर के द्वारा है वह प्राइमरी फ्यूल है। और जब प्राइमरी फ्यूल से हम लोग जब से जो दूसरा फ्यूल हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं किसी ना किसी प्रोसेस से, तो वह फ्यूल जो है सेकेंडरी। जनरली फ्यूल्स के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और फ्यूल एग्जिस्ट करता है थ्री स्टेट्स में, सॉलिड फ्यूल है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसियस है। इसी में जितना भी एग्जांपल हम लोगों ने अभी पढ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी, तो कुछ सॉलिड फ्यूल है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसियस है, लेकिन टाइप जो है दो ही होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम लोग नेचर में कुछ ऐसे भी फ्यूल होंगे जो आइडियल फ्यूल के भी एग्जांपल होते हैं। आइडियल का अर्थ होता है आदर्श, गुड कहिए उसको, जिसमें सारे गुण जो है एग्जिस्ट करें, उसी को हम लोग आइडियल फ्यूल कहते हैं। तो आइडियल फ्यूल के क्या नेचर होंगे, क्या प्रॉपर्टीज होंगे, उसको हम लोग पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। जितने भी फ्यूल हम लोग पढ़े, अगर किसी फ्यूल को आइडियल कहा जाएगा तो उसके क्या नेचर है। तो पहला जो आइडियल फ्यूल का जो प्रॉपर्टीज है, इट हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का डिफिनेशन हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि एक केजी फ्यूल को अगर हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, जितना उससे किलो जूल हीट रिलीज करे वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू हो, जिसमें हाइड्रोजन जो है 150,000 किलो जूल पर केजी। एक केजी अगर हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो 150,000 किलो जूल उससे हीट रिलीज होता है। तो अगर सबसे देखा जाए कि किस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू अधिक है तो वह हाइड्रोजन है। कम भी है काउडन का है जो कम होता है वह 6,000 से 8,000 किलो जूल पर केजी है। तो इसमें कहता है कि अगर वह आइडियल फ्यूल है इसका अर्थ है कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होगा। That is, it produces a large amount of heat per unit mass. Second, इसका जो character है ideal fuel का, it burns easily in air at a moderate rate. इसका अर्थ हुआ कि it burns neither too fast nor too slow. गुड फ्यूल का या आइडियल फ्यूल का ये एक नेचर है, ना वह अत्यधिक ज्यादा फास्ट और ना अत्यधिक स्लो बर्न करता है। एक रेट है, मॉडरेट रेट में वह जलेगा हमेशा, ना अधिक तेजी से जलेगा और ना धीरे धीरे जलेगा। थर्ड इसका प्रॉपर्टीज है,
इट हैज प्रॉपर इजिनेशन टेम्परेचर, इट हैज प्रॉपर इजिनेशन टेम्परेचर। इसका अर्थ हुआ कि विच इज नाइदर वेरी लो नॉर वेरी हाई। प्रॉपर इजिनेशन टेम्परेचर का अर्थ हुआ कि जिस फ्यूल को भी अगर हम जलाते हैं तो वह मिनिमम उसका टेम्परेचर होना चाहिए जिस पर वह जलना शुरू हो। प्रॉपर इजिनेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डज नॉट प्रोड्यूस, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस गैसेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उस फ्यूल को बर्न करें जलाएं तो किसी प्रकार का हार्मफुल गैस उससे रिलीज नहीं होना चाहिए, विच में पॉल्यूट द एनवायरमेंट। ये भी उसका एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आइडियल फ्यूल का, इट इज चीप, सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा अगर फ्यूल है, बहुत कॉस्टली है तो उसको हम आइडियल फ्यूल कहेंगे, नहीं। आइडियल फ्यूल चीप होना चाहिए, रीडिली अवेलेबल। आसानी से हमको मिल जाए एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट और एक जगह से दूसरे जगह तक हम उसको आसानी से ले जा सकें। ये भी आइडियल फ्यूल का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, जो सस्ते दर पर उपलब्ध हो, आसानी से हमको मिल जाए। जैसे एलपीजी सिलेंडर है, हमको आसानी से मिल जाता है, जब आवश्यकता होता है हम लोग गोडाउन में जाकर के उसको लाते हैं और इजिली उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी हमको सुविधा। तो ये 5 कैरेक्टर है आइडियल फ्यूल का। अगर ये 5 किसी फ्यूल के अंदर अगर ये पाया जाता है तो हम कहेंगे कि वह एक आइडियल फ्यूल है। तो निश्चित रूप से इसको हम लोग आज पढ़े कि फ्यूल क्या है, फ्यूल का टाइप, फ्यूल का एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग फ्लेम के बारे में स्टडी करेंगे।